अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में विगत दिनों जारी हुए परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर जोरदार आंदोलन किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सुबह से ही विश्वविद्यालय में पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दिए। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। कुलपति को बुद्धि आई स्वाहा, विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार खत्म हो स्वाहा जैसे मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ किया। साथ ही साथ भ्रष्ट प्रशासन, गो बैक, परीक्षा परिणाम में अविलंब सुधार करो जैसे नारों के साथ पूरा विश्वविद्यालय परिसर गूंज उठा। इस दौरान परिषद के छात्र नेताओं ने कहा कि आम छात्र छात्राओं की कोई सुध लेने वाले तक नहीं है। परीक्षा परिणाम में जिस प्रकार से गड़बड़ियां हुई है वो घोर निंदनीय है। विभाग के विद्यार्थी फेल है और ये जानबूझकर शिक्षा माफियाओं के इशारे पर पेंडिंग प्रोमोटेड का खेल किया गया है। इस दौरान विद्यार्थी परिषद ने परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा परिणाम में सुधार को अविलंब करने को ज्ञापन भी दिया। परीक्षा नियंत्रक के से वार्ता के दौरान काफी नोक झोंक भी हुई। इस मौके पर विश्वविद्यालय राज्य सह कार्य प्रमुख रजनीकांत सिंह, विश्वविद्यालय संयोजक प्रशांत सिंह, छात्र नेता राहुल कुमार, प्रांत SFS प्रमुख आशीष कुमार, शुभांगी कुमारी, सुमन कुमारी आदि शामिल थे। छपरा ब्यूरो मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। आप छोड़िए, अरे हो गया हो गया, अरे हमारा जो हम परीक्षा दिए हैं मगर हमारा मार्कशीट नहीं है। मार्कशीट नहीं है? नहीं। क्या कहिएगा विश्वविद्यालय प्रशासन के बारे में? जो बहुत बुरी तरह से मतलब इनका जो हाल है, मतलब जैसे कि दारू बेचा जाता है ना, ठीक वैसे ही ये भी दारू बेच रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। हम लोग के साथ जो पैसा खाली सुनते हैं और काम सही से नहीं कर पाते हैं। किस विषय को लेकर आज का कार्यक्रम? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया था जयप्रकाश विश्वविद्यालय में। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में आए दिन भ्रष्टाचार, छात्रों का शोषण, फेल पास, बहुत सारी समस्याएं यहां पे इसी विश्वविद्यालय में हो रही हैं। विश्वविद्यालय में ऐसा हो गया है कि छात्र तीन जिला से, गोपालगंज, सिवान, छपरा, सुदीर देहात क्षेत्रों से आते हैं और उनके पैसे लेकर के पास करवाया जाता है। रिजल्ट में फेल दिखाया जाता है, पैसे लेकर यूमेंट द्वारा पास करवा दिया जाता है। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया था। क्या समस्या आपकी? डीएवी कॉलेज सिवान से, मैं बोटनी से हूँ, जिसमें मेरा सिवान में 8 मार्क्स दिया गया है, जबकि मैं 8 मार्क्स का नहीं लिखी हूँ। अगर देखा जाए तो 80 प्लस मेरा मार्क्स आ सकता है। ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर मैंने सरप्राइजर से बात की तो ऐसे बोल रहे हैं, रोल नंबर जांच कर लिए, वो एक लिस्ट रखे हुए थे, उसमें रोल राउंड कर लिए, देख लिए, उसके बाद पूछे कि आप किस कॉलेज से हैं, तो मैंने बताया कि डीएवी कॉलेज सिवान से, तो बोल रहे हैं कि डीएवी कॉलेज सिवान वालों को एक बार चेक कर लिया गया है, दोबारा नहीं होगा, अगर दोबारा आप आती हैं तो मार्कशीट फाड़ के आपके सामने फेंक देंगे, दोबारा हम जांच नहीं करेंगे। आपके साथ क्या समस्या? सब सेम है। आप कहना चाहिए? सेम है। मेरा ये समस्या है कि हम उपस्थित हुए हैं एग्जाम में और मेरा उस नंबर एक भी नहीं आया है, क्रॉस का चिन्ह डाल दिया है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।